और शांति के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन, और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई, वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है, जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं, मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी के, उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्ट्रेट कैलकुलेशंस हैं, स्ट्रेट। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्ट्रेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन शुरू से ही इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया, और चुनाव इनडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं, इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं, लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा। और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ आज, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है, और सारी पार्टियों के एजेंट बकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा, और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है, एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया।
इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए, और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब दो टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं, कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं, वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े, 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट, मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा एक वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है, पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नियत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे फिर ये, मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सब को रोकना। ये सारे जो आसार दिखाई दे रहे हैं ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक 10x10 किलोमीटर का छोटा सा शहर चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ के छोटे से शहर के अंदर एक छोटे से मेयर का चुनाव, उसके अंदर अगर ये इस किस्म तक, इस हद तक गिर सकते हैं तो बड़े चुनाव के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। देखिए अभी जो कई सारे मैंने देखे हैं वीडियोस, कई सारे, उसके ऊपर एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं। चर्चा अच्छी चल रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ नतीजे आएंगे, कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। सर, इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के लीडर से क्या आपकी बात हुई है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पवन बंसल थे, अभी बैठे थे, तो जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज मेरा मकसद, चंडीगढ़ का मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए, चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का बने, इसका बने, उसका बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट है जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे, वो आपके शहर में गुंडागर्दी मचवाएंगे। जो ईमानदारी से वोट जीतेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, वो शासन में ईमानदारी लेके आएंगे।
आज इन्होंने जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी, अरे वोट आपके वोट, जो वो अधिकारी है प्रेसाइडिंग ऑफिसर उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, उसने फ्रॉड करके सबके वोट बदल दिए उसने, ये कैसे परमिसिबल है? जनतंत्र तो सुप्रीम है, वोट तो एक तरह से बहुत सैक्रोसेंक्ट है, किसी का भी वोट, आपने काउंसलर्स के वोट बदल दिए, काउंसलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते, ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी, ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। बिहार से लेके झारखंड तक जो ईडी कार्रवाई कर रही है, और हेमंत सोरेन हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उस पर एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। आप, आपका कहना है कि ईडी इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्यों कर रही है? एक इन्होंने माहौल ये बनाया पूरे देश के अंदर, अब राम मंदिर का वो उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का अब तो इतनी सीट आएंगे और इतनी सीट आएंगे, अगर इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है, इसका मतलब ईडी की भी जरूरत है, फर्जीवाड़े की भी जरूरत है, गुंडागर्दी करने की भी जरूरत है, तब सीट आएंगे इनकी। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा, क्यों ईडी पीछे भेजते, क्यों नीतीश जी को तोड़ते, क्यों उधर एनसीपी तोड़ते, क्यों शिवसेना तोड़ते, क्यों सबके पीछे ईडी छोड़ते? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं, लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग ठीक से हो गई तो इंडिया गठबंधन इनको, आज अगर चुनाव ईमानदारी से हो जाता, इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा था, 16 वोट इनके थे, 20 हमारे थे, हम इंडिया गठबंधन की पहली जीत होती। लेकिन ये तो इस तरह से गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। सीधा सीधा था, आज का चुनाव तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट था, हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, 20 वोट थे हमारे, इनके 16 वोट थे, तो आज का चुनाव तो इंडिया गठबंधन जीत ही रहा था, तो फिर गुंडागर्दी करके इन्होंने इसको कर लिया। चुनाव आयोग का रुख करेंगे आप लोग? हैं जी, चुनाव आयोग का रुख करेंगे इस मामले में, क्या तरह से आप कह रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी है और बाकी चीजों को लेकर, लगता है कि वो एक बहुत अलग बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी दिन बात करेंगे आपसे ईवीएम वाला। एक कंडीशन है, इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक में आप लोगों ने तय किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन जाएगा और जो वीवीपैट के पर्चियां होती हैं उसको बैलेट पेपर के तौर पर, मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजा जा चुका है, तो उस पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। इस इलेक्शन के लिए जिसको आप कह रहे हैं सिर्फ एक चंडीगढ़ का छोटा सा इलेक्शन था, उसके लिए खुद जेपी नड्डा जी ने बधाई दी है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसकी वजह से यूटी में जो है इस तरीके का विकास हुआ, जिसकी वजह से आप इंडिया। जेपी नड्डा जी से पूछिए कि 8 वोट इनवैलिड किस बेसिस पे किए उन्होंने, उनसे पूछिए कि क्या उनके पदाधिकारी ने जिस तरह से वोट्स को टेम्पर किया, फोर्जरी की, क्या वो इसको सही मानते हैं? क्या वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को, चुनाव के दौरान इस तरह की बेईमानी को सही मानते हैं, और क्या वो इस तरह से पाई गई जीत को सही मानते हैं? क्या वो इसको अनैतिक नहीं मानते? क्या वो इसको देश के लिए नुकसानदेह नहीं मानते? क्या केवल ये इन प्रकारें जीतना उनके लिए सब कुछ है? मार के, पीट के, वोट टेम्पर करके, सब कुछ करके बस जीत जाओ किसी भी तरह से। सर, कल जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर खबरें आ रही थी कि ईडी एक तरह से हंट पे दिख रही थी, लगातार खबरें प्लांट भी हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन गायब हो गए, तो एक मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लगता है आने वाले समय में कार्रवाई और बढ़ने वाली है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के खिलाफ? मुझे लगता है लोकसभा के पहले जिस तरह से इनका माहौल है, इनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है, इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है। आज आप मेरे से निकाल लीजिए जो कुछ इन्होंने बिहार के अंदर किया, पिछली बार इन्होंने 17 सीट दी थी नीतीश जी को, 17 सीट पे लड़ी थी बीजेपी, 17 की 17 इस बार भी ये 17 सीट दें अगर नीतीश कुमार जी को, 17 की 17 सीटें नीतीश कुमार जी हारेंगे। उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, तो बीजेपी को इसका नुकसान होने वाला, इस तरह की हरकतें ये देश पसंद नहीं करता। ईमानदारी से लड़ो चुनाव, अगर आप जीते हो आप लड़ जीतो, कोई और जीते, कोई जिसकी सरकार बने उसको चलाने। थैंक यू।